ऐसा काम है साफ सुथरा सा जबरदस्त, तो ये इस काम में बड़ा ओला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपका सबसे बड़ा वेलविशर आपका अपना इमरान अमीन। 400 किस्म से ज़्यादा मेरे बिजनेस टिप्स हैं, यूट्यूब पे जाएं, इमरान अमीन को सर्च करें, अमीर बनने का मौका, तो सर्च करें इमरान अमीन को और अपनी मर्जी के मुताबिक बिजनेस लें। आज का जो मेरा बिजनेस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा उल्ले वाला काम है, लेकिन उससे पहले शर्त है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें इमरान अमीन को, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। पुराने दोस्तों को सलाम सलाम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं उनकी मेहरबानी है। अच्छा, आज आपको पता है हर मोहल्ले में हर गली में मोबाइल शॉप बनी हुई है, ठीक है। अक्सर खुदा न खास्ता ये चोरी का मोबाइल ख़रीद लें या डकैती में से मोबाइल ख़रीद लें तो लेने के देने पड़ जाते हैं, तबाही हो जाती है। ऐसा काम है साफ सुथरा सा ज़बरदस्त, किसी अच्छी जगह पे आप दरमियानी सी जगह मेडियोकर इलाके में मोबाइल शॉप बनाएं। मोबाइल रिपेयरिंग तो आपने करनी है, सेल परचेज तो करनी है, आजकल तो वो पुलिस को आईडी कार्ड भिजवाएं तो फौरी उसका आईएमई नंबर और आईडी कार्ड वो भिजवाएं तो फौरी पता चल जाता है ये डकैती में मोबाइल है या नहीं है, हमेशा पता चल जाता है। इसमें जो ओला है ना वो ये है कि जो बाहर से फ़ोन आते हैं ना, आपने सुना होगा पीटीए नॉन पीटीए, जो नॉन पीटीए बाहर से आते हैं उन पे पीटीए ड्यूटी काफ़ी लगती है, तो लोग लेते हैं, जमा भी कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया पे हैं। आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, छोटा सा एक फ़ोन एंड्रॉयड साथ रख लेते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करके उसमें वो यूज़ करते रहते हैं, वो आपका बेहतरीन चलता है, और दूसरा आपका साथ सपोर्टिंग होता है, कॉल चॉल करनी हो तो उस पर हो जाती है, दो मोबाइल रखते हैं। पीटीए की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जमा तो लोग करवाते हैं लेकिन अब उनकी मर्ज़ी है, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। एक इसमें ओला ये है कि बाहर की कंट्रीज़ में ना लोग कंपनियों के लेते हैं मोबाइल्स, और यहाँ पे उन्होंने कंट्री को खैरबाद करना हो, यूरोपियन कंट्री या दूसरे कंट्रीज़ को, तो वो मोबाइल ले आते हैं, उसको जेवी कहते हैं। जेवी मोबाइल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसमें ये होता है कि सिम ब्लॉक होती है, स्लॉट, वो उसमें सिम नहीं डल सकती, राइट, और वो पीटी अप्रूव भी नहीं हो सकता। अब वो अगर आप प्रो मैक्स ये इस तरह के लेंगे ना 2.5 लाख रुपए का 15 या 14, तो वो मिल जाएगा 75,000 रुपये का सिर्फ, ठीक है, इतना सस्ता मिल जाता है जेवी, क्योंकि उसमें सिम नहीं डल सकती। तो ये दुकानदार क्या करते हैं कि ये बेच देते हैं नॉन पीटीए करके, लोगों ने फीस तो जमा करवानी नहीं होती, वही लेते हैं ज़्यादातर, तो उनको पता नहीं होता, उनको डबल ट्रिपल प्रॉफिट होता है। आप मोबाइल शॉप बनाएं, अच्छी जगह पे बनाएं, आप इस तरह के मोबाइल बहुत दुनिया बेचने आती है, बहुत दुनिया बेचने आती है। प्रो 14 प्रो मैक्स जो है एप्पल, वो 14 जो है ना वो 75,000 रुपीज़ उसकी मार्केट प्राइस है, तो बेच देते हैं लोग 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए में, जैसा कस्टमर होता है वैसा। वो नया डिब्बा पैक होता है, हर चीज़ एक्सेसरीज भी साथ होती हैं, डिब्बा भी होता है, उसका चार्जर भी होता है, उसकी हर बुकलेट भी होती है, नया होता है। तो जेवी याद रखिएगा, जेवी मोबाइल आजकल बहुत चल रहे हैं, तो बाकी आपने कस्टमर से पूछ लेना है कि आपने पीटीए नॉन पीटीए, पीटीए वाले भी खरीदें, नॉन पीटीए भी खरीदें, जेवी आम, उसका कोई क्राइम भी नहीं है, आम चल रहे हैं, बिक रहे हैं, क्योंकि वो उस पर वो चल नहीं सकती, सिम नहीं चल सकती, ना वो पीटीए अप्रूव हो सकता है। तो ये इस काम में बड़ा ओला है मोबाइल्स परचेज सेल, लेकिन बड़ी एक ऐप है, बड़ी इजी हो गया हुआ है, चोरी का मोबाइल फट पता चल जाता है, 10 मिनट में पुलिस आ जाती है, आप चोरी का मोबाइल अब ख़रीद ही नहीं सकते, अब यानी कि ज़रूरत ही नहीं रही इन चीज़ों की कि वो गलती से ले लिया तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा अब कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा काम हो गया हुआ, पुलिस ने बड़े ऐप बना दी हुई है। तो अगर ये आपने मोबाइल शॉप बनानी है तो सेल परचेज का काम करें, साथ रिपेयरिंग का छोटा सा बना लें, इंशाल्लाह ताला अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया, आपका अपना इमरान अमीन, अल्लाह हाफिज़।